फरमाने लगे, माहिरे अमराज़े दिल होने के नाते मुझे दुनिया भर से तबाई इज्तमाआत और मुहाजरात में शिरकत की दावत मिलती है, मगर ये वाला मुहाजरा सेमिनार मुझे दावत ना मिलने के बावजूद भी शमूलियत पर उकसा रहा था और इस शिद्दत से शिरकत की ख्वाहिश का सबब इस सेमिनार का अछूता उन्वान था, जिसके मुताबिक अमराज लगने का भी कोई वक्त होता है, जैसे ब्रेन हैमरेज कितने बजे होगा, शुगर का मर्ज दिन के कितने बजे लगेगा, या दिल का दौरा किस वक्त पड़ सकता है, या दिमाग के शरियाने फटने का कौन सा वक्त होता है, क्या किसी मर्ज के लगने का एक वक्त भी होता है। और फिर ये सब कुछ जानने के लिए मेरा शौक और तजस्सुस जीत गया, मैंने वीजा लगवाया और टिकट कटवा कर जर्मनी में हो रहे इस मुनासबत के लिए रखते सफर बांध लिया। सेमिनार के दौरान मेरी कोशिश रही कि किसी भी मौजू पर हो रही गुफ्तगू में अपनी शमूलियत लाजमी बनाऊं, मगर अमराज़े दिल से मुतालिक कोई भी नशिस्त चुकन्ने ना पाए। पहले दिन की नशिस्त में एक जर्मन मुकर्रर, जिनका मजहब कोई भी हो मगर मुसलमान नहीं था और ना ही उसका हमारे दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक था, तकरीर कर रहे थे। आपके मुताबिक दुनिया भर से मरीजों के अदाद शुमार इकट्ठे करने के बाद तबई अलूम के उलमा ने ये जाना है कि दिल के मुनजिमला अमराज और मशाकिल, जैसे दिल की शरियानों का बंद हो जाना, या दिमागी अमराज जैसे दिमाग को जाती शरियानों का बंद हो जाना या फट जाना, सुबह के 8 बजे के वक्त के करीब होता है। क्या आप इस बयान की तफसीर जानना चाहते हैं? मैं बताता हूं, जब हम रात को सोते हैं तो हमारे जिस्म में खून का दौरान सुस्त पड़ जाता है। अगर शरियाने पहले से ही जामिद मवाद से अटी हुई हों तो खून के बहाव में रुकावटें नींद के बाद बढ़ती रहती हैं। खून शरियानों में बहते हुए या ख़ास तौर पर उन अटी हुई जगहों में से गुजरते हुए लोथड़ों यानी क्लॉट्स की शक्ल अख्तियार कर जाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे जिस्मानी निज़ाम में ऐसा तरीका रख छोड़ा है जो दबाव की हालत में इन शरियानों में अकड़ाव पैदा करके इन्हें फटने से बचाता है। लेकिन शरियानों का ये अकड़ाव और इसमें जम जाने वाले खून के लोथड़ों की वजह से दिल का दौरान खून रुक जाता है और दिल के दौरे या दिमागी शरियानों के फटने का सबब बन जाता है। जर्मन मुकर्रर, जिसका हमारे दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, वो बता रहा था कि इस आरजे से बस वही बच सकते हैं जो सुबह सवेरे जाग जाएं, और अगर नींद की दोबारा हाजत महसूस हो रही हो तो घंटा भर जागने के बाद सोना चाहें तो फिर से सो जाएं। इससे हमारे जिस्म से बना हुआ वो मैकेनिज्म जो शरियानों को अकड़ कर फटने से बचा रहा है, वो मैकेनिज्म बंद हो जाएगा और तबाई सिलसिले फिर से बहाल हो जाएंगे। मुकर्रर बोलता जा रहा था और मेरा दिमाग बस एक ही बात को सोच रहा था कि ये मुकर्रर शायद मुझे नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है को समझाना चाह रहा है, मगर उसके पास मुनासिब अल्फाज नहीं थे। देखिए, अल्लाह तबारक व ताला हमारी सुबह की मीठी नींद को और इस मीठी नींद के लिए हमारी ख्वाहिश को खूब समझते हैं। कहीं आप ये ना समझ बैठें कि अल्लाह ताला ने हमें सुबह सवेरे जगाकर किसी अजाब में डाला है। सच जानिए कि अल्लाह पाक ने हमें इस वक्त जगाकर हमारी ज़िंदगी को बचाया है। मेरे क्लिनिक पर कई मसीह भाई भी इलाज के लिए आते हैं। अगर मुझे इदराक हो जाए कि ये आदमी किसी बड़ी मुसीबत से दोचार होने वाला है तो उसे कहता हूँ, भाई सुबह सवेरे 4 या 5 बजे जागकर अपने घर का एक चक्कर लगाया करो, पानी वगैरह पीने की हाजत हो तो पानी पी लिया करो, दीगर किसी हवाई से फरागत की ज़रूरत हो तो उससे फारिग हो लिया करो, और दोबारा सोने की हाजत हो तो फिर सो जाया करो, मगर अपने आप पर उस वक्त जागना लाजमी कर लो। भाइयों, साइंस ने साबित किया है और इल्मी मुबाइसों से भी ये बात सामने आई है कि सुबह नमाज के लिए जागने से जिस्म के अंदर बन रहे कीमियावी तगैयुरात बंद हो जाते हैं, ऊंचा हो रहा खून का दबाव राह रास्त पर आ जाता है, खून के जामिद अज्जा फिर से तहलील होकर बहाव के अमल को आसान बना देते हैं और हमें बहुत सारे मुतवक्के अमराज से निजात मिल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फबियय्यि अला रब्बिकुमा तुकज्जिबान।
ऐ इंसानों और जिन्नात, अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत से जुटलाओगे। सुबह सवेरे जब अजान होती है तो अजान के अंदर एक मखसूस फिक्रा कहा जाता है, अस्सलातो खैरुन मिनन नौम, अस्सलातो खैरुन मिनन नौम, के नींद से बेहतर नमाज है कि नमाज के लिए उठ जाओ। तुम्हारा नमाज के लिए उठना ना सिर्फ अल्लाह की इबादत है बल्कि दुनियावी और जिस्मानी तौर पर तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है।